दुनिया के सबसे दुर्लभ सफेद जानवर जिन्हें देखने का मौका सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। नंबर 9, व्हाइट जिराफ। जी हाँ, सफेद जिराफ भी होता है, पर ये हद से ज्यादा रेयर है। ये इतने रेयर हैं कि केवल दुनिया में केवल एक ही सफेद जिराफ बचा है जो मेल है, इसलिए ये विलुप्ति की कागार पर है। एक जेनेटिक बदलाव जिसे ल्यूसिज्म कहा जाता है, उसके चलते जिराफ का रंग सफेद होता है। इसमें त्वचा की कोशिकाओं के पिगमेंटेशन को रुक जाता है। ल्यूसिज्म में आंखों के पास काला रंग बना रहता है। नंबर 8, व्हाइट एलिगेटर। आपने भयानक डार्क ग्रे कलर के एलिगेटर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी व्हाइट एलिगेटर देखा हो। इन व्हाइट एलिगेटर को अल्बिनो एलिगेटर भी कहा जाता है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये अल्बिनो एलिगेटर बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते और नॉर्मल एलिगेटर के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर भी होते हैं। नंबर 7, व्हाइट लायन। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं, इसलिए यह जंगलों में नहीं बल्कि ज्यादातर जू में ही देखे जाते हैं। इन सफेद शेरों का रंग पिगमेंटेशन की वजह से सफेद होता है। ये हल्के सुनहरे रंग से लेकर शुद्ध सफेद रंग तक के होते हैं। सबसे पहले व्हाइट लायन को 1938 में देखा गया था। हालांकि इस वक्त सफेद शेर काफी खतरे में है, इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। सफेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं, इनकी डाइट भी ज्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे जानवरों और पक्षियों का ही शिकार करते हैं। नंबर 6, स्नोफ्लेक गोरिल्ला। दोस्तों, आप लोगों ने गोरिल्ला कई बार देखा होगा, लेकिन सफेद रंग का गोरिल्ला कभी नहीं देखा होगा। और अफसोस की बात तो ये है कि स्नोफ्लेक नाम से जाना जाने वाला ये सफेद गोरिल्ला अब विलुप्त हो चुका है और आप अब सफेद गोरिल्ला नहीं देख सकते। स्नोफ्लेक दुनिया का एकलौता व्हाइट गोरिल्ला था, जिसे स्पेन के स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बार्सिलोना जू में रखा गया था। वो बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसका रंग सफेद हो गया था। नंबर 5, व्हाइट क्रो। क्रो, आपने आज तक काले कौवे के बारे में तो बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद कौवे के बारे में सुना है? इनको अल्बिनो क्रो भी कहा जाता है। इनके फीचर्स तो नॉर्मल जैसे ही होते हैं, लेकिन रंग सफेद होता है। साथ ही इनके पंजे और पैरों का रंग भी काला ना होकर लाइट पिंक होता है और चोंच भी सफेद ही होती है। ये बाकी कौवों के साथ ही रहते हैं और उनके जैसा ही खाना खाते हैं, बस दिखने में उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। पर इनको धूप में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये धूप में काफी कम दिखाई देते हैं और ज्यादातर पालतू होते हैं। नंबर 4, व्हाइट एलिफेंट। सफेद हाथी को शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। कुछ समय पहले तमिलनाडु की सड डचकों पर सफेद हाथी को देखा गया था, जिसमें उसको किसी तरह की झांकी में ले जाया जा रहा था। ज्यादातर थाईलैंड में पाए जाने वाले व्हाइट एलिफेंट को वहाँ के लोग बहुत मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि सफेद हाथी प्यूरिटी का प्रतीक है, साथ ही ये लोग सफेद हाथी को पावर और रोल की तरह भी मानते हैं। वहीं हिंदुइज्म के हिसाब से सफेद हाथी भगवान इंद्र का वाहन है, जिसका नाम इरावत है। अगर शॉर्टकट में कहें तो व्हाइट एलिफेंट को लोग काफी शुभ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। नंबर 3, व्हाइट कॉकरोच। ये आम जीव है, इसको आपने आज से पहले ब्राउन कलर में, जो कि इसका नॉर्मल कलर है, उसी में देखा होगा, लेकिन आज आप देखेंगे सफेद कॉकरोच। ये कॉकरोच की कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि नॉर्मल कॉकरोच ही होते हैं जिनमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। कई बार व्हाइट कॉकरोच का कुछ समय के बाद रंग बदल जाता है और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ऐसा किसी जादू या शक्ति की वजह से नहीं होता, बल्कि जब उनके ऊपर नई स्किन आती है तब होता है। नंबर 2, व्हाइट कैंगरू। यदि आपने कभी सफेद कंगारू देखा है तो आपने प्रकृति में सबसे दुर्लभ दृश्यों में से एक देखा है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश कंगारुओं का फर भूरा भूरा होता है। सफेद कंगारू प्राकृतिक रूप से सफेद नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ल्यूसिज्म नामक स्थिति के कारण उनका फर सफेद होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, चिड़ियाघरों में रहने वाले सफेद कंगारुओं का जीवन काल जंगल में रहने वाले सफेद कंगारुओं की तुलना में अधिक लंबा होता है। नंबर 1, व्हाइट हॉक। सफेद रंग का वाज सबसे घास पक्षियों में से एक होता है। ये व्हाइट हॉक पंखों के साथ लगभग 42 से 46 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये पूरी तरह व्हाइट नहीं होते, इनके पैर येलो और पंखों का आखिरी का हिस्सा ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।